हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ढेर सारी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे फैमिली में, फ्रेंड में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और गर्मियों में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला स्पेशल डेजर्ट रॉयल फालूदा। रॉयल फालूदा खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे। रॉयल फालूदा बनाने के लिए सबसे पहले एक ग्लास लेंगे और उसमें 2 चम्मच हम सब्जा सीड डालेंगे यानी कि चिया सीड। थोड़ा सा हम पानी डाल लेंगे और इन्हें भिगो देंगे करीब करीब 5 मिनट के लिए, जब तक कि ये अच्छे से फूल ना जाएं। अब एक पैन में हम पानी लेंगे करीब करीब 1/2 लीटर। पानी के उबलने के बाद हम 1/3 कप इसमें फालूदा सेव डाल लेते हैं या फालूदा नूडल्स भी आप बोल सकते हैं, और इन्हें उबलने देंगे करीब करीब 3 से 4 मिनट के लिए या जब तक कि फालूदा सेव अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाएं। तो 2 से 3 मिनट हो गई हैं, चेक कर लेते हैं। निकाल के हम चेक कर लेंगे कि अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं कि नहीं। ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम फालूदा सेव को छान लेंगे और इनके ऊपर थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाल देंगे जिससे ये चिपकेंगी नहीं। अब मैंने एक पैन में 1.5 कप दूध लिया है। दूध को अच्छे से उबलने देंगे और स्पैचुला से चलाते हुए हम इसे उबाल लेंगे ताकि ये तले में चिपके नहीं, तो उबाल आने देंगे। देखिए दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। अब 2 चम्मच हम इसमें चीनी डाल देंगे या चीनी जितनी आपको पसंद हो आप उसी अनुसार डाल सकते हैं। दूध को हम अच्छे से गाढ़ा कर लेंगे, जैसे हम रबड़ी बनाते हैं थोड़ा सा इसे गाढ़ा कर लेते हैं। ये देखिए सब्जा सीड भी अच्छे से फूल गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। अब 2 गिलास लेंगे और सबसे पहले हम इसमें स्ट्रॉबेरी क्रश डाल लेते हैं। तो 1 से 1.5 चम्मच हम स्ट्रॉबेरी क्रश डाल लेंगे। इसके बाद हमने जो दूध उबाल के रखा था गाढ़ा करके, उसे अच्छे से ठंडा होने के बाद हम इसमें डाल देंगे। तो करीब करीब 2 से 3 चम्मच हम दूध डाल देंगे, फिर हम फालूदा सेव डालेंगे। जो भी चीज़ें हम इसमें डाल रहे हैं वो अच्छे से ठंडी होनी चाहिए। तो फालूदा सेव डाल दी है, इसके बाद सब्जा सीड डाल देते हैं हम। जितनी भी आपको पसंद है आप उसके अनुसार इसमें चीज़ें डाल सकते हैं। अब हम वनीला आइसक्रीम डाल लेंगे। तो 1-1 स्कूप मैं वनीला आइसक्रीम का डाल रही हूँ, उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी क्रश डाल देंगे जिससे ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे। अब थोड़े से हम थोड़ा सा दूध और डाल देते हैं, फिर फालूदा सेव, फिर सब्जा सीड। एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे सारी चीज़ें। और थोड़े से हम नट्स डाल देते हैं चॉप किए हुए, और फिर से हम इसमें डालेंगे वनीला आइसक्रीम, थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी क्रश, और ऊपर से हम गार्निशिंग के लिए थोड़े से चॉप किए हुए नट्स और थोड़ी सी कलरफुल हम चेरी डाल देंगे, और सबसे ऊपर 1-1 चेरी हम और लगा देते हैं। तो ये लीजिए, रॉयल फालूदा बनकर तैयार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इस गर्मियों में आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और आपको ठंडक देगा। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे फैमिली में, फ्रेंड में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।